So let's go. Ajo. Ajo, ajo. Bye-bye. आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मा विष्णु महेश को भी श्राप के बाद बाल अवस्था में जाना पड़ा, लेकिन उससे पहले हमें पहुंचना होता है मंडल घाटी तक, जिसके लिए आपको उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर आना पड़ेगा। मंडल वैली फेमस है बर्ड वॉचिंग और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। इसके अलावा आप कैंपिंग ट्रैकिंग भी कर सकते हो और पास में स्थित पंच केदारों में सबसे कठिन केदार श्री रुद्रनाथ जी की यात्रा पर भी जा सकते हो। तो 3:57 AM रात के कह लो या सुबह के, और ये गर्मा गर्म चाय के साथ हम पहुंच गए हैं अभी ऋषिकेश। यहाँ से सफर शुरू होता है हमारा पहाड़ों का। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पोर्ट टू हिल्स में, और एक खूबसूरत मॉर्निंग के साथ अभी हम पहुंचे हैं। ये एग्जैक्टली लोकेशन है श्रीनगर से थोड़ा आगे, और जस्ट अभी 5 किलोमीटर पीछे हमने छोड़ा है धारी देवी मंदिर। तो आज का हमारा सफ़र जो है वो है मंडल वैली की तरफ, और वहीं आज हम करेंगे स्टे, और कल सुबह हम शुरू करेंगे अपना पैदल ट्रैक, अपनी यात्रा। तो अभी चलते हैं फिलहाल आगे, और अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं अपना रुद्रप्रयाग, अगली डेस्टिनेशन है, और एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो कल रात दिल्ली से एग्जैक्टली हमेशा की 12 बजे निकलने के बाद 3:30-4 बजे हम पहुंचे थे ऋषिकेश, और कंटिन्यूस जो है ये अभी भी जो है 8-9 घंटे की ड्राइव, जैसा कि अभी बज रहे हैं 9:20, तो एग्जैक्ट 9:20 की ड्राइव हो चुकी है। तो अभी मिलते हैं आगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद अपनी ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी मंडल वैली के लिए। और धारी देवी से जस्ट 2 किलोमीटर आगे ये शानदार पुल, भव्य पुल, जो इसका जो है ये निर्माण कार्य जो है करीब 3-4 साल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि सामने जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं वहाँ जो है काफ़ी ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो ब्रिज के उस साइड, लेफ्ट साइड जो आप एरिया देख रहे हो, वहाँ से जो है अब आने वाले टाइम में पूरा रोड जो है कटेगा। इस ब्रिज से होते हुए हम उस तरफ जाएंगे और वहाँ से रास्ते आगे कंटिन्यू होंगे हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ, तुंगनाथ, इन सारे धामों के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ चल रहे हैं हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की ठंडक के बीच। कर लेते हैं भाई पेट पूजा यहाँ पे, आलू का पराठा, आलू प्याज, दाल, अचार, चाय। हाँ, कैसा हो रहा है? भूख में सब मस्त है। अच्छा, भूख में सब मस्त होता है। ओके ओके, वो तो सही बात है। हेलो भैया, और भी कुछ है क्या खाने के लिए? 2 चाय भी हैं भाई जी। आप इसी गांव के हो हैं? यहाँ पे कौन सा गांव है आपको? इधर अच्छा, और ये जो रोड जा रही है सामने मेन रोड है गांव के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, खिरसू। चलो ठीक है भाई जी, तब हाँ चलते हैं। ओके, यहाँ हो रहा है भाई ये खतरनाक टनलिंग का काम, जो आने वाले टाइम में एक फैसिलिटी वगैरह तो होगी लोगों के लिए, लेकिन पहाड़ों के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है। और काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं ये ब्रिज के प्रोजेक्ट और ये टनल के प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, और एक गौचर तक के लिए जो अभी आगे आएगा, एक वहाँ जो है वहाँ तक के लिए रेलवे लाइन भी है, तो वही ये डेवलपमेंट भी है, लेकिन नुकसान तो है ही पहाड़ों के लिए। और एक ब्रिज और, ये देखो आप कितना विशाल, क्योंकि ये पूरा जो है लैंडस्लाइड जोन एरिया है, तो यहाँ पे भी इसे ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा एरिया आपको जो दिख रहा है ये पूरा है रुद्रप्रयाग, और कैंपिंग और ट्रैकिंग के आप शौकीन हैं तो यहाँ से पूरा सामान
आपको जो है इजिली सब कुछ मिल जाएगा। तो भी चलते हैं, और नीचे ये अलकनंदा नदी जो देवप्रयाग में जाके भागीरथी से मिलने के बाद बनाती है हमारी गंगा। तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 एग्जैक्ट, और आगे बढ़ते हुए अभी अगला स्टेशन जो है वो आएगा कर्णप्रयाग, जो यहाँ से है 22 किलोमीटर दूर। और मौसम देखो आप क्या सुहाना हो रखा है, जैसा कि वेदर प्रेडिक्शन है, किस्मत अच्छी रही, लकी रहे तो भयंकर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है एक बार फिर से इस साल। और हरियाली देखो आप, नज़ारे देखो यार आप, देखते ही बनती है सुंदरता। तो चलते हैं अभी आगे। तो भाई ये पहुंच गए हम जेसीबी के साथ कर्णप्रयाग, और सामने तीन रास्ते आपको दिख रहे हैं। तो राइट साइड में जो है सबसे वो है कुमाऊं रीजन से आने का, बीच वाला आपका जाने का, और इसी रास्ते पे चल के बीच वाले पे हम गए थे लास्ट ईयर, आपने व्लॉग देखा होगा, अली बेदनी बुग्याल का। और फिलहाल हम चल रहे हैं अभी नीचे वाले रास्ते पे, और अली बेदनी के दो पार्ट्स हैं तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बेहद ही इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी जगह है। एशिया के लार्जेस्ट मेडोज हैं हमारे इंडिया में, वो भी उत्तराखंड में, तो जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। करम जिसे पुकारे ओए मन तो गम, बाकी सब मोह का मन, रावण जो लहरों में तूने बा। ये मंडल के लिए, मंडल 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 सीधा, ठीक है भैया, थैंक यू। पीड़ा छोटो, अरे मंडल के लिए कौन सी रोड है? अच्छा यही है सीधी। अच्छा कहीं से कटता है फिर रास्ता? आप ऐसे पेट्रोल पंप पे जाना ऊपर, लेफ्ट पंप से इधर को। अच्छा लेफ्ट ना, ठीक है ठीक है, चल ठीक है, थैंक यू। सो भाई जिस बात का डर था ये देखो आप, और जैसा अनुमान था, वेदर प्रेडिक्शन थी, यहाँ पे जो है झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, और मंडल अब बचा है सिर्फ 2 किलोमीटर एग्जैक्टली। ये पूरी वैली जो है ये मंडल वैली ही है, जिस लोकेशन पे हमें जाना है, जहाँ से कल हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे, वो अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और बाहर का आप मौसम देख ही सकते हो किस तरह से, यहाँ पूरा जो है हमेशा 12 महीने हरियाली रहती है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंडल, क्योंकि आज जो है हमारा बसेरा रात का होगा यहीं मंडल में, और कल मिलेंगे अब आपको हम डायरेक्ट ऑन द वे टू अनुसुईया देवी मंदिर की पैदल यात्रा पे। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, क्योंकि अब जो है काफी आज का टायरिंग हो गया, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो गई, शरीर एकदम टूट चुका है। और 444 किलोमीटर आप सामने देख सकते हो, ये ड्राइव करें कल रात से, और टोटल टाइम लगा 15 घंटे, 12 to 12, और अभी बज रहे हैं दिन के 3। घने कोहरे, बादलों और चारों तरफ पहाड़ियों के बीच कैद ये खूबसूरत मंडल वैली, और सुदूर बर्फ से ढकी चौपटा चंद्रशिला की दर्शनीय चोटियां। मंडल को चौपटा घाटी से जोड़ता हुआ ये पुल, जहां से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तृतीय केदार तुंगनाथ। तो ये पूरी खूबसूरत सी मंडल वैली वैसे तो फेमस है बर्ड वॉचिंग के लिए और मंदिरों के लिए, और यहाँ की जो ग्रीनरी है वो देखते ही बनती है। 12 महीने आप कभी भी यहाँ आ जाएं तो आपको ऐसा ही दिखेगा। और पीछे जो बर्फीली पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, उसी तरफ है हमारा अनुसुईया देवी मंदिर और श्री रुद्रनाथ जी की यात्रा, जो कठिन यात्रा है पंचकेदारों में से सबसे कठिन। और यहाँ पे जो है ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर अभी शाम के 6:45 हो रहा है 7 डिग्री। वो है रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ, और
क्या खूबसूरत बर्फबारी के बीच पूरा आप देख सकते हैं बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। लेकिन जितना पास से दिखता है उतना है नहीं, काफ़ी कठिन। गुड मॉर्निंग। सो पूरा सुबह से ऐसे ही फॉगी वेदर हो रखा है और रात से करीब 2-3 बजे से जो है एकदम खतरनाक बारिश और क्लाउड बस्ट की आवाज़ें यहाँ आ रही थी मंडल वैली में। और अब कर लेते हैं अपनी तैयारी अनुसुईया देवी मंदिर जाने के लिए। टाइम 9:30 हो चुका है ऑलरेडी। तो पूरी ये खूबसूरत वैली इस तरफ से हम आए थे कल शाम को गोपेश्वर से, और ये रोड जो आपको दिख रही है तो 1 किलोमीटर का जो है रास्ता यहाँ से बच जाता है, और वो सामने ऊपर देख सकते हो वो रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ। तो फाइनली जल्दी से करते हैं अपनी पैकिंग और चलते हैं अनुसुईया देवी मंदिर की पैदल यात्रा पर। तो चलें पार्टनर, चलें, रेडी। तो भाई ये हो गई हमारी पूरी पैकिंग, ये सारे बैग्स वगैरह पूरा सामान है, और ये स्पेशल आइटम है तो ये जो है हमारा आज का ब्रेकफास्ट है, सिर्फ कॉफ़ी और ये ड्राई फ्रूट्स पम्पकिन सीड्स वगैरह का पूरा मिक्सचर। तो चलते हैं फाइनली। एक बार में हो जाएगी क्या स्टार्ट? इंजन स्टार्ट पेंडिंग का मैसेज आया और एक बार में ही कोल्ड स्टार्ट, सक्सेसफुल इन ऑल वेदर्स। तो यहाँ से फाइनली करते हैं अपनी यात्रा शुरू, और ये हमने पीछे कर दिए गाड़ी पार्क, लेके भगवान का नाम हर हर महादेव करते हैं हम अपनी यात्रा शुरू। तो एग्जैक्ट वैसे 11:45 पे हम कर रहे हैं ये अपनी यात्रा शुरू, और यात्रा शुरू करते ही देखो हमारा स्वागत किया है एक कालू ने। तो पहाड़ी कुत्तों की खास बात होती है यार, अब ये पूरे रास्ते भर पूरे मंदिर तक, उससे आगे भी अगर हम गए तो ये हमारे साथ रहेगा। तो इसी ब्रिज की मैं पुल की बात कर रहा था जो आपको मिलता है, और उस तरफ हमने गाड़ी वहाँ पेड़ों के पीछे करी है पार्क। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो इसी संदेश के साथ भगवान का नाम लेके हम चलते हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ? नो 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 ए नो 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 क्या हुआ? रुक जा रुक जा, क्या हुआ? ज़्यादा फैमिली है मत, और रुक जा यार, डरा रहा है तू। तो ये सुंदर सा गांव शुरू में ही हमें मिलता है, और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। ये रास्ता है और ये रास्ता है, अब दो रास्ते हैं। ये वाला रास्ता है, हाँ जी ये वाला रास्ता मंदिर के लिए, अच्छा ये वाला है, ठीक है ठीक है, इधर ही चलते हैं भाई। ये हमारा कालू पार्टनर अच्छा तो है, मुझे पता है ये हर जगह ही साथ में आते हैं पहाड़ों में, किसी भी पैदल यात्रा पे जाओ। लेकिन अभी भाई साहब ने डरा दिया, काटने को आ रहे हो, क्योंकि पाँव उसने पूरे पाँव पे भी यहाँ दांत गड़ा दिए, इसलिए ये छोटी सी डंडी ली, ज़्यादा फ्रैंक हो गया है वो, काट नहीं रहा, वो खेल रहा था, वो ऐसे ही करते हैं कुत्ते। पॉली हाउस भी बना रखा है नीचे, पॉली हाउस मतलब ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जो ये खेती होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बारिश और बर्फ से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उसके लिए छोटा सा अच्छा है। हेलो आजा, तो ठीक 15 मिनट में 1 किलोमीटर आ गए हम काली माता की यहाँ पे मूर्ति, ये लो जी इनको फूल हमने कर दिए अर्पण, जय माता की, आजा आजा आजा। सो ये पूरा घना जंगल, और सामने वो आप देख सकते हो उधर से हम भी आ रहे हैं हम, तो कैंपिंग ट्रैकिंग वहाँ नीचे रिजॉर्ट है क्योंकि 150 मीटर पे ही, तो वहाँ जा सकते हैं इंटरेस्टेड जो भी रहता है पैदल यात्रा, जो पैदल ज़्यादा नहीं चल सकता। वैसे तो बहुत ही आसान रास्ता है, और कालू देखो हमारे साथ अभी बना हुआ है। और एक चीज़ और, अगर किसी को भी ये पता है व्यूअर्स को, देखने वालों को, आप लोगों में से, कि ये किस चीज़ के पेड़ है, क्योंकि ना तो ये देवदार है, ना ये बांझ है, ना ये चीड़ है, तो किसी को भी अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। हाँ ये बुरांस है। तो वैसे तो यार उत्तराखंड में ये हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन बाई चांस अगर कोई जंगली जानवर या किसी का पैर मुड़ जाए या कुछ भी जो हो,
कैजुअलिटी या छोटी मोटी इंजरी, तो आप ये नंबर ऐसे नोट कर सकते हैं, जब भी आएँ हेल्पफुल रहेगा। और गर्मियों में भी अगर आएँ आप, तो ये पानी की धारा आपको ऐसे ही मिलती है हमेशा, और बरसात में ये धारा जो है यहाँ दो दो मीटर दूर जाके गिरती हैं। रेनी सीज़न जो है हमेशा ही खतरनाक रहता है पहाड़ों के लिए। अच्छा कालू, और बैकग्राउंड में आप शोर भी सुन पा रहे होंगे, क्योंकि साथ में पूरा गधेरा, हिंदी में कहें तो छोटी सी कैनल या नदी का एक पार्ट जो आगे जाके नदी में मिलता है, वो यहाँ से बहता हुआ। और अभी तक जो है हम तीनों के अलावा कोई भी हमें यहाँ नहीं दिखा है। 1.5 किलोमीटर हमें हो चुका है चलते हुए। तो अब यहाँ से जो है ये पूरा ट्रेल हमें रिमाइंड करा रहा है एग्जैक्टली यमुनोत्री का, क्योंकि सेम ऐसी चढ़ाई थी उसमें भी लास्ट में जाके, और सेम ऐसा ही ये रास्ता बना हुआ था पूरा यमुनोत्री वाला ट्रेल। आजकल तो पूरी बर्फबारी है वहाँ यमुनोत्री में, क्योंकि वो एकदम बॉर्डर एरिया है बिल्कुल ग्लेशियर्स के पास, और पूरा एक बार फिर से जो है बारिश वाला मौसम हो रहा है। ओ हीरो, ऐसे मत छोड़ यार हमें, इतने घने जंगल में अकेले छोड़कर चला गया तू, इतने खड़े खड़े शॉर्टकट ले रहा है बिल्कुल ही। क्या खा क्या है, है? क्या खा क्या है, हुँ? क्या खा क्या है, चल आ जा। वो कौन सी गुफा में घुस गया वो कालू? तो कालू देखो यहाँ गुफा में घुस गया है, पता नहीं क्या सर्च करने को। देखो इनको जो है खुशबू आती रहती है, पहाड़ी कुत्ते हैं। आजा आजा, अरे भालू का बच्चा पकड़ के लिया है क्या, आजा भाई साहब। ये देखो, तो आप समझ सकते हैं कि इसने हमें कैसे डराया होगा शुरू में, एकदम यूं ग्रैब कर रहा था टांगों को यूं करके, तो काफ़ी डर लग गया था शुरू में, लेकिन पहाड़ी कुत्ते जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, वैसे तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई काटे। अब देखो पूरा ये ट्रेल पूरा जो है 5 किलोमीटर तक हमारे साथ चलेगा, और अनफॉर्चुनेटली पीछे जो ढाबा था वो बंद था, इसको बिस्किट दे देते नहीं तो। वो अभी भी वहीं गुफा, इस पत्थर के नीचे गुफा घुसा पड़ा, वो निकल के बाहर। आजा 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 आजा। हाँ इसी की तलाश थी ना तुझे, अब मैं समझ गया। तो कालू को फाइनली देखो मिल गई है हड्डी, मजे से खा रहा है। चल खा तू, हम चलते हैं, बारिश तेज होने वाली है वैसे भी। आज ही हाँ। तो अभी 12 बज गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम, और सामने वो पूरा मंडल वैली, उधर से हम आए थे तो क्या नज़ारे हैं देखो उधर के, और इस तरफ देखो ये रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ, पूरे बर्फीले पहाड़ इधर विजिबल थे अभी, लेकिन धुंध आ गया है और हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी स्टार्ट। दिन के 12:15 ही ऐसा हो गया जैसे शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे पांडव देव, इनको भी फूल अर्पित कर देते हैं। जय हो पांडव देव की, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और पूरा आप देखो मात्र 200 मीटर चलने के बाद, आप देखो ये फॉग उधर था जो मैंने भी आपको दिखाया था, और इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया पूरा। ये देखो यहाँ पूरा जंगल, पूरी वैली होते हुए ये उस तरफ जाएगा पूरा रुद्रनाथ जी की तरफ, जैसे कोई बुला रहा हो अपनी तरफ, इतनी तेज़ी से देखो जा रहा है। देखो पेड़ के पीछे से, ये देखो पेड़ के पीछे से निकलता हुआ हल्का हल्का इतनी तेज़ी से। तो पहाड़ों में बरसात के मौसम में या जब भी बारिश होती है ऐसा होता है अक्सर। पिछले 1 घंटे से यार झमाझम जो है बारिश शुरू हो गई है, 1 घंटा होने वाला है, और इधर का आप सौंदर्य देखो यार, ये देखो आप क्या खूबसूरती है यहाँ की। अरे पोंचो में कविता, ये देखो यार आप पूरा फॉग से अब उधर को जो है मूव हो रहा है फॉग हो रहा, और ये सीधा रास्ता देखो मध्य महेश्वर वाला जो आप ट्रैक है हमारा, उसका मुझे रिमाइंड कराता हुआ। तो चैनल में जाके आप यमुनोत्री, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, केदारनाथ, सारे आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे पंच केदारों के दर्शन, तुंगनाथ, सब आप वो जाके भी देख सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगा। अभी चलते हैं हम आगे, और समय ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6:30 बज चुके हों, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा और फॉगी वेदर और बारिश झमाझम यहाँ होती हुई।
और समय अभी हो रहा है दिन के 12:30 बज रहे हैं, बिल्कुल भी जो लग नहीं रहा है। कालो कहाँ गया? तो ये पहुंच गए हम, ये है शिलालेख मंडल में। और इस पत्थर की खास बात यह है कि जो सामने आप ये संस्कृत में लिखी हुई लिपि या जो भी है, 7 लाइनें ये लिखी हुई हैं, ये 6ठी शताब्दी की है। और यहाँ एक राजा हुआ करते थे, मोखारी किंग सर वर्मन, जिन्होंने अपने माता पिता के और अपने उसके लिए यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था उस टाइम पे, और एक वाटर सोर्स भी। वो यहाँ पे अभी नहीं है, क्या पता वो आगे हो, जो मेन मंदिर है अनुसुईया देवी माता जी का उस तरफ। तो ये है इस पत्थर की खास बात। और ASI द्वारा आप देख सकते हो कि ASI द्वारा भी इसको यहाँ पे संरक्षित किया गया है 2014 में। अभी हम बढ़ते हैं आगे और पहुँचते हैं जल्द से मंदिर, क्योंकि काफ़ी बारिश तेज़ हो चुकी है। आजा कालो, आया यहाँ नहीं चढ़ते, चलो। तो घने जंगल के बीच कालू हमारे साथ बना हुआ है, और जहाँ हम थोड़ा आगे पीछे भी जा रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ, जैसे हमारा हाची है, हमारा पेट डॉग, उसको भी हम थोड़ा मिस कर रहे हैं। वो होता तो इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होती। सेम वही हाइट, वही टेक्सचर है बालों का। चलो 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 चलो। तो आखिर में पहुंच के दो रास्ते होते हैं यार, यहाँ से हम आ रहे हैं और एक रास्ता उधर है, और एक हम इस पर सीधा जाते हैं अपना गेस्टवर्क देखते हैं। और यहाँ सामने देखो आप, मंदिर से ठीक पहले गणपति बाप्पा की ये विशाल मूर्ति यहाँ पे भगवे रंग से पूरा। अभी चलते हैं आगे, और बारिश झमाझम अभी भी बरसती हुई, ये वाला रास्ता लेते हैं हम और आगे चलते हैं। तो भाई ये पहुँच गए हम आखिरकार अनुसुईया देवी मंदिर के शरण में, और टाइम देखो ठीक अभी जो रहा है 12:45। तो हम निकले थे 10:45, तो ठीक 2 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, हल्की सी चाय की चुस्की लेते हैं कहीं पे, सुबह से नाश्ता बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि, और उसके बाद कराते हैं आपको अभी दर्शन। हाँ, और बहुत अच्छा हुआ कि हमने ये पोंचो ले लिया, वैसे तो हमारे पास है क्योंकि कैंपिंग ट्रैकिंग हम करते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मिस हो गया। ये पोंचो आप जब भी आएँ पहाड़ों में किसी भी मौसम में हमेशा कैरी करके चलिए, क्योंकि हर जगह ये नहीं मिलता है। घाटी या एक आप कह सकते हैं गहराई में ये पहाड़ों के चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यहीं से रास्ता भी जाता है आपका रुद्रनाथ जी के लिए अत्रि मुनि आश्रम होते हुए। और ये देखो ये कंडेली, इसे कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, बिच्छू घास जिसे आप बोलते हैं पहाड़ों में, और गढ़वाल में कंडेली सिसोण के नाम से ये प्रसिद्ध, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है वैसे तो कई जगह, लेकिन एक बार ये अगर किसी के शरीर में लग जाए तो पूरा 2 दिन तक झंझनाहट बरकरार रहती है। तो यात्रा हमारी ये संपन्न हुई यहाँ तक, आज 2रा दिन है हमारी इस यात्रा का। और कालू को देखो वो सामने, कालू आया। तो अभी दिन के 2 बजे यहाँ अनुसुईया देवी मंदिर के प्रांगण में जो है बारिश रुक चुकी है, धूप आने का कोई अनुमान नहीं अभी भी। और ये है हमारा अंदर यहाँ आज छोटा सा बसेरा, इधर रात को मंदिर में ही रुकेंगे। और ये भाई जी हैं यहाँ पे, क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम श्री मदन प्रसाद सेमवाल। हाँ जी, ये सेमवाल जी हैं यहाँ के, ये निवासी हैं, ये 12 महीने यहीं रहते हैं, और फिलहाल जो है ये केतली में पानी गर्म होता हुआ नहाने के लिए। और ये लकड़ी आप देख सकते हो यार, ये बांझ की लकड़ी है, तो बार बार लकड़ी लाने का झंझट ही खत्म। ठीक है सेमवाल जी, अभी नहाते हैं यार, जाते हैं अत्रि मुनि आश्रम की तरफ, तब शाम की पूजा 6-7 बजे तक देखो। देखो पानी में हाथ डालो। हाँ ठीक है, इसको मिला लेंगे थोड़ा उसमें, थोड़ा और गरम। थोड़ी देर, हाँ थोड़ा सा हूं और। अनुसुईया माँ मंदिर और इसके चारों तरफ के वातावरण को आप सिर्फ यहीं आके सच मायनों में महसूस कर सकते हो। पास में स्थित अत्रि मुनि के आश्रम का अनुभव इस सफर को और खास बनाता है। पंच केदारों में मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, भाई लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर, ब्यूटीफुल झरने के सामने एकदम आओ आओ।
चैलेंज है, चैलेंज। आराम से टाइट पकड़ो चेन को, पहुंच गए बस झरने के पास। आ जाओ आ जाओ। और इधर पूरा ये देखो नीचे खाई है यार, पूरा नीचे खाई। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। और यहाँ पे हम सोचा थोड़ा फोटो शूट कर लें। गाड़ी जो है स्टार्ट ही रखी है मैंने, नहीं तो फिर स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ फंस जाएंगे हम बुरी तरह। तो जल्दी निकलते हैं पीछे को। बस 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 बस